क्या आप लोग कोई मेट ऑनलाइन टाइपिंग का काम करके, ट्रांसलेशन का काम करके डेली के 1000 से 1500 रुपए तक कमाने हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। मैं आप लोग गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग पैसे भी कमाने लगोगे। आज जो मैं आप लोग के लिए वेबसाइट लिखूँ, काफी ज्यादा रियल जेन्युइन वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर मैंने भी काम किया, हमारी टीम ने भी काम किया, काफी अच्छे सबने पैसे कमाए हैं। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अंकित झा। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन टाइपिंग का काम करके, ट्रांसलेशन का काम करके डेली के 1000 से 1500 रुपए काफी ज्यादा आसानी से कमा सकते हैं। आज जो मैं आप लोगों के लिए वेबसाइट लिखूं, काफी ज्यादा अच्छी वेबसाइट है। आज की इस वीडियो में आपको काम करना भी सिखाऊंगा कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे पे आउट लेना है, सब कुछ A to Z। अगर आपको स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग पर्सनैलिटी हो, आपको ऑनलाइन काम करके पैसे कमाने पर आपको कोई काम नहीं आता कि क्या काम करे, कैसे पैसे कमाए, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको काम करना भी सिखाऊंगा कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करने, कैसे पैसे कमाने, सब कुछ A to Z। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन काम करके पैसे कमाने के लिए सबसे ज्यादा हम लोग चलते अपने क्रोम ब्राउजर पे। जो लोग अपने फोन से कर रहे हैं वो लोग अपना क्रोम ऐप खोल लो। मैं लैपटॉप इसलिए समझाओ कि लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है, आप लोगों से भी बड़ा दिखेगा, अच्छे से समझ आएगा। तो चलते अपने क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पर आने के आज जो मैं आप लोग के लिए वेबसाइट लेकर, काफी ज्यादा रियल जेन्युइन वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम है topcontent.com। तो देखो ये वाली वेबसाइट है topcontent.com, काफी ज्यादा अच्छी वेबसाइट है। देखो ये वाली वेबसाइट है www.topcontent.com, टॉप कॉन्टेंट ट्रांसलेशन एंड कंटेंट राइटिंग कंपनी। यहाँ पे ना बेसिकली आपको ट्रांसलेशन का काम करना, आप लोग काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। मैं आपको काम करना भी सिखाऊंगा कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, सब कुछ A to Z। इस कंपनी का जो रेवेन्यू है ना काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा पुरानी कंपनी है, बड़ी कंपनी में पहले भी सब्सक्राइबर यहाँ पे काम करके काफी अच्छे पैसे कमाते हैं। देखो यहाँ हर जगह आर्टिकल छापा हुआ है, बहुत सारे न्यूज वेबसाइट्स ने भी इसको कवर किया हुआ है, काफी अच्छी वेबसाइट है। तो हम चलते हैं वेबसाइट पर, मैं आपको सब दिखाऊंगा कैसे आपको काम करना है, काम करना भी सिखाऊंगा। तो देखो हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने का क्या, कंटेंट राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कंपनी, ये ना बेसिकली कंटेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन कंपनी है, ठीक है। तो देखो ये इधर आपको काम कैसे करना है मैं आपको सब दिखाऊंगा। इससे पहले इनके क्लाइंट्स देखो कौन कौन है, इनके क्लाइंट्स में कौन कौन है, गार्डन होम कैसीनो ट्रिपेक्स इसका देखो ब्रात, और ये सारे इनके क्लाइंट्स है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने इनके क्लाइंट्स। अब हमें कैसे क्या करना है देखो मैं आपको नीचे ले चलता हूं। तो देखो व्हाई चूज अस, इनको ही को चूज करना है क्योंकि ये काफी अच्छी डिलीवरी देते हैं। इसके बाद इनका ग्लोबल लैंग्वेज है, 20+ लैंग्वेज है, ठीक है। इसके बाद इनके रैंकिंग विद SEO कंटेंट काफी अच्छा जो इंप्रूव करता है, तो ये सब ये काम प्रोवाइड करता है। आपको क्या काम करना है, आपको ट्रांसलेशन का काम करना है। बेसिकली मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको काम करना भी सिखाऊंगा, आप लोग काफी अच्छे पैसे कमा लोगे, ठीक है। हम चलते हैं आई वॉन्ट टू बिकम अ राइटर पे जाने के, आप लोग चाहो तो ट्रस्ट पायलट, स्कैम एडवाइजर पे भी इन सबको देख सकते हो, काफी सही हर जगह की रेटिंग है, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। स्कैम एडवाइजर आप लोग चले जाओ, आप लोग देख सकते हो, काफी सही है, कोई दिक्कत आएगी नहीं आप लोगों को, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं आपको काम कैसे करना है। फ्रीलांस राइटिंग एट टॉप कंटेंट, हाँ आपको फ्रीलांस राइटिंग का काम करना है कहां पे, topcontent.com पे, बिकम अ राइटर, राइटर के तौर पे, ठीक है। आप इनकी कम्युनिटी ज्वाइन करो, स्किल राइटर की जो इनकी कम्युनिटी है, साइन अप करो, स्टार्ट करो राइटिंग, अर्न करो, मतलब इमीडिएटली आप लोग पैसे कमा सकते हो, ठीक है। आप लोग साइन अप करके, आप देखो इनका बेनिफिट क्या क्या है, यहाँ पे काम करने का क्या क्या बेनिफिट है। आप कभी भी कहीं भी बैठ के काम कर सकते हो, यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। पहला तो ये बेनिफिट है, दूसरा क्या है, यू विल हैव एक्सेस टू रिसोर्स एंड रिसीव द फीडबैक, आपको रिसोर्सेस मिल जाएंगे, आपको फीडबैक मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या, यू विल डिसाइड आपको कब काम करना है, ये सब आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको कल काम करना है, आपको जिस दिन करना आप उस दिन कर सकते हो, ठीक है। आपको कितनी देर में काम करना है, सब कुछ टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स आप लोग देख लो, ऑनलाइन गेमिंग, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, फिटनेस, आपको जो सही लगे इस टॉपिक पर आप लिख सकते हो, समझ गए। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको मतलब जो ये देंगे वही नहीं, आपको जो चूज करके आपको लिखना आप लिख सकते हो, ठीक है। स्कैम एडवाइजर पे एक बार दिखा देता हूं, ठीक है ना, काफी सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो टॉप क्या नाम है, एक मिनट, टॉप कंटेंट, तो टॉप कंटेंट काफी ज्यादा सही प्लेटफॉर्म है, मैं इसका पेरेंट प्रूफ भी ना मांग के दे दूंगा आपको, देखो काफी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ये जब तक हो रहा है हम नीचे चलते हैं, नीचे जाने का देखो हाउ टू बिकम अ फ्रीलांस राइटिंग एट टॉप कंटेंट। तो देखो यहाँ पे आपको साइन अप करना है सबसे पहले, इसके बाद आपको आपकी डिटेल्स फिलअप करने, ठीक है। डिटेल्स फिलअप करने के बाद देखो आपको ना राइट
राइटिंग का मैनुअल पढ़ने, मैं आपको सब दिखाऊंगा, टेंशन मतलब सारे प्रोसेस करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, इसके बाद देखो आप राइट कर सकते हो, मैं आपको काम करना भी दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद क्या बेनिफिट ऑफ वर्किंग एज अ फ्रीलांस राइटिंग है टॉप कॉन्टेंट, तो क्या बेनिफिट, आप कभी भी कहीं भी बैठ के काम कर सकते हो, पिक योर ओन आवर्स, मतलब आपको जब काम करना है सुबह दोपहर रात आपकी मर्जी, ठीक है। इसके बाद आप कितनी देर काम करना चाहते हो वो सब, इसके बाद आपको फीडबैक मिलेगा हर काम पे जिससे आप लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। काफी वैरायटीज का टॉपिक है ये सब, देख लो आप लोग, काफी सही है सब कुछ। अब देखो टॉप कंटेंट का यहाँ पे काफी अच्छा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो 100% है बेसिकली, आप लोग देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। इसके बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छा इधर का रिव्यू हट गया है, इसमें आप देखना देखो तब भी 86% है, काफी ज्यादा सही है, क्योंकि किसी ने यहाँ पे टॉप कंटेंट को अभी तक रेटिंग ही नहीं दिया है। इसका आप लोग यहाँ देखना क्या बोलते हैं, सेम रेस पे सब कुछ दिख जाएगा, रिवेन्यू वगैरह कितनी पुरानी कंपनी है, सब कुछ A to Z कितना रिवेन्यू करते हैं सब, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेंशन मतलब, हम लोग चलते हैं साइन अप पे, साइन अप नाउ पे जानकर हमें देखो कैसे क्या करना है। सबसे पहले देखो हमें अपना नाम डालना, मैं अपना नाम डाल देता हूँ अंकित, इसका लास्ट नेम है झा, इसके बाद हमें अपना मेल डालना है, ठीक है। तो अपना मेल डाल देना, तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे करना है, तो इधर लास्ट नेम, इसका देखो आपको आपका मेल डाल देना, तो स्किल फ्लाइस ईमेल @gmail.com मेल डालने के बाद देखो यहाँ पे हमें अपना पासवर्ड डालना है, कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड डाल लो, ठीक है, जहाँ पे अल्फाबेट भी हो करेक्टर भी हो सब कुछ, ठीक है। इसके बाद फ्रीलांसर पे क्लिक करने का, तो आई एग्री पे क्लिक करने का, साइन अप पे हमें क्लिक करना है, साइन अप पे क्लिक करने का देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे ना कंफर्मेशन का मेल जाएगा, तो हम लोग अपना मेल खोल लेते हैं। काफी ज्यादा सही प्लेटफॉर्म है, आपको ना इंस्टेंट काम मिल जाएगा, मतलब 24 घंटे में आपका अकाउंट भी अप्रूव हो जाएगा, आपको काम भी मिलने लगेगा, मैं आपको काम भी दिखा दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेल आ चुका होगा, टॉप कंटेंट का सब कुछ काफी ज्यादा सही है, पर देखो काफी फास्ट प्रोसेस होता है यहाँ का पूरा, ठीक है। इसका देखो कंफर्मेशन होने के बाद देखो बहुत सिंपल स्टेप है, इसका देखो नाम पूछे हैं, नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज में हमें इंग्लिश करना है, बहुत बंदे कहेंगे हमें तो इंग्लिश आती नहीं, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है, टेंशन मतलब। इसके बाद आपने कहा इसके बारे में सुना, तो आपने कहा सुना गूगल सर्च कर दो, आपकी मर्जी, आपको या फ्रेंड कर दो, आपको जो सही लगे। इसके बाद आप कौन से टॉपिक पे लिख सकते हो, एनिमल हो गया, होम गार्डन, ह्यूमन रिसोर्स, आपको जो जो जिस पे आप लिख सकते हो कर दो, ठीक है। इसका यस कर दो यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये लिखा होगा कि आप कोई भी ना कट पेस्ट कॉपीराइट फ्री आपको कंटेंट लिखना, प्लेजम कंटेंट आपको नहीं डालना, मतलब समझिए ना, ये नहीं कि आपने गूगल पे कुछ लिखा, जैसे आपको मिला कि मानो आपको मिला ह्यूमन रिसोर्सेज पे, तो आपने ह्यूमन रिसोर्स का आर्टिकल गूगल से निकाल के कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसे आपको नहीं करना। तो आप यही लिखा हुआ तो यस कर दो, मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। इसके बाद ये भी आपको यस कर देना ये सब। इसके बाद देखो सबमिट पे हमें क्लिक करना, सबमिट करने के बाद देखो इसके बाद क्या करें, आपका ना छोटा सा टेस्ट होगा, अब आपको टेस्ट कैसे पार करना है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको नॉर्मली जाना है देखो ChatGPT पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते ChatGPT पे, और ChatGPT पे जाने का यहाँ से आप लोग चाहो अपना टेस्ट कंप्लीट कर सकते हो, बहुत आसान है। पर एक बात का ना ध्यान रखना, आप जैसे देखो और 20 मिनट का टेस्ट है, तो ये नहीं 2 मिनट में पूरा कर दो, इनके ना AI को पता चल जाएगा आपने चीटिंग किया, और आप लोगों का ना अकाउंट भी ऐसे ब्लॉक हो जाता है, तो ये सब गलती मत करो, मतलब आराम आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। एक क्वेश्चन में ना कम से कम मानो आप 5 सेकंड 10 सेकंड इससे ज्यादा ही लगाओ, समझ गए। अब देखो जैसे मैं जैसे ये लिखूंगा, तो देखो इसका ना आंसर तुरंत ChatGPT हमें दे देगा, ठीक है, तो ए है इसका आंसर, तो ऐसे करके ए है इसका आंसर, ठीक है। इसका ओके, इसका देखो अगला भी हम ऐसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कॉपी कॉपी जब भी हमने किया, इसका देखो वापस से ChatGPT में देता हूँ, तो ChatGPT इसका आंसर भी दे देगा, देखो करेक्ट आंसर बी है, तो बी इसका ना ऐसे करके आप सारे आंसर निकाल सकते हो, मैंने कुछ भी कर देता हूँ, आप ChatGPT की हेल्प से आंसर निकाल सकते हो, बस आपको कॉपी करना है और ChatGPT पे पेस्ट कर देना है। जो लोग अपने फोन से कर रहे हैं वो लोग भी ChatGPT ऐप पे पेस्ट कर देना, सेम ही प्रोसेस है पूरा, फोन में भी लैपटॉप में भी। इसका कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, इसका देखो इसका ना देखो इसका मैंने कर दिया 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, इसका देखो 12th क्वेश्चन, इसके बाद क्या 13th, और इसका देखो टोटल 20 क्वेश्चन होंगे जहां तक मुझे याद है। देखो मैं इतनी जल्दी कर रहा हूँ ना, अगर सारे सही भी होते ना मेरे, तो मैं अकाउंट ब्लॉक हो जाता, समझ गए। तो दिखाता हूँ मैं आपको इसका देखो, क्योंकि ये लोग समझ जाते हैं ना भाई, 1 मिनट में थोड़े ना 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, वो भी टफ टफ रहते हैं, तो इसलिए आराम से करो, मतलब कम से कम मैं आपको सही बताऊँ, कम से कम ना आप 10 मिनट तो लगाना, समझ गए। इसका देखो आपने अपना एप्लीकेशन डाल दिया, इसके बाद ना आपको एक मेल आ जाएगा कंफर्मेशन का, इसके बाद आपको काम मिलने लगा। काम कैसे मिलेगा, देखो ये आपका पूरा ना डैशबोर्ड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब डैशबोर्ड में क्या कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपके यूरो शो होंगे। अब यूरो क्या होता है, जैसे डॉलर होता है ना, ये ऐसे यूरो होते हैं। अब एक यूरो की वैल्यू कितनी होती है मैं आपको बताता हूँ, एक यूरो की वैल्यू होती है 91 रुपीज, समझ गए। मतलब अगर आपने 100 यूरो कमाए तो 9,100 रुपए आप कमा लोगे, ठीक है। इसके बाद और क्या मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद हम चलते हैं ट्रेन, देखो हेल्प में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, यहाँ पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस
लिखे हुए, टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ खास वैसे है नहीं, यही सब लिखे हुए हैं कि क्या कैसे करने। सपोर्ट टीम, आपको कोई भी प्रॉब्लम है सपोर्ट टीम से पूछ सकते हो, ठीक है। इसका ट्रेनिंग मटेरियल में क्या देखो, होम है, इसका गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पे क्या FAQ, गेटिंग स्टार्टेड में क्या मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे क्या काम करना है, कैटेगरी वगैरह शो हुई है, ठीक है। इसका बिकमर राइट है, सब कुछ लिखा हुआ है कि ओवरव्यू कैसे काम करता है, टॉप कॉन्टेंट सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या, यहाँ पे FAQ मतलब क्या होता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ, ओवरव्यू, पेमेंट, ये सब ना जो आपको प्रॉब्लम है आप लोग यहाँ से पता कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या देखो, इसके बाद राइटिंग में, राइटिंग के बारे में दिया हुआ, तो ये सब आपके इतने काम का है नहीं, मैं मोटा मोटी बताऊँ, मैंने क्योंकि आपको पूरा बता ही दिया कैसे क्या करना है। एक बहुत ही जरूरी बात, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जल्दी से जो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, कि जितने भी लेटेस्ट ऑनलाइन अर्निंग के ऐप आते हैं, जहाँ पे आप लोग 100-200 रुपए इन्वेस्ट करके 1,000-2,000-5,000 रुपए तक कमा सकते हो, जितने भी लेटेस्ट ऑनलाइन जॉब आते हैं उन सबके लिंक डालता है, तो आप लोग काफी ज्यादा हेल्प होगा, काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जल्दी से जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है, जल्दी जाओ। अब देखो हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये हो गया काम कैसे करना है। जैसे मुझे एक काम मिला था कि फ्रेंच में हमें कन्वर्ट करना था, क्योंकि इंग्लिश तो हमारी नेटिव लैंग्वेज, हमने यहाँ पे दिखा दी, इंग्लिश से फ्रेंच में करना है, शायद से फ्रेंच में टर्किश में मिला था, मैं आपको फ्रेंच में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो इंग्लिश टू जैसे टर्किश, या मैं फ्रेंच में ही दिखा देता हूँ, कोई नहीं। जैसे मानो आपको एक आर्टिकल मिलेगा, उसको फ्रेंच में कन्वर्ट करना, बहुत बंदे क्या करेंगे, ट्रांसलेटर से कर देंगे, इनका क्या होगा, तुरंत सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। तो हमें क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मानो हमें कोई आर्टिकल मिलेगा किस पे, डायबिटीज पे, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे काम करना है। जैसे आपने डायबिटीज लिखा, तो देखो आर्टिकल ऑन डायबिटीज, ठीक है, आर्टिकल ऑन कैंसर कर देता हूँ, चलो आर्टिकल ऑन कैंसर मैंने किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आर्टिकल ऑन कैंसर के हमें कैसे इसको, मानो ना ये आर्टिकल आपको कैंसर का दे दिया इंग्लिश में, आपको इसको क्या करना है ना, फ्रेंच में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। अब आप कैसे करोगे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करना, देखो आप अपना नोटपैड खोल लेना, या जो लोग फोन से कर रहे हैं व्हाट्सएप पे किसी के चैट पे इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो देखो हम लोग चलते हैं नोटपैड पे, और देखो अकाउंट तो मतलब ना आपको, मतलब जैसे आज मैंने अकाउंट बनाया 11 तारीख है, तो मतलब 14-15 तारीख से काम मिलने लगेगा, ठीक है। जैसे कैंसर का आर्टिकल है, मैं क्या कहूंगा, मानो यही आर्टिकल हमें मिला हुआ है, और इसको ही हमें क्या करना है ना, ट्रांसलेट करना है। तो मैं नोटपैड पे जाता हूँ, इसको मैं पहले कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये आर्टिकल हमें ट्रांसलेट करना है। हम क्या करेंगे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, गूगल ट्रांसलेटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं गूगल ट्रांसलेटर पे, इंग्लिश तो देखो फ्रेंच में आ जाएगा, ठीक है, फ्रेंच में आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो इसको कॉपी करना है, और इसका ना किसी के भी व्हाट्सएप चैट पे इसको सबसे पहले पेस्ट करके रख लेना, ठीक है, हमने रख लिया इसको। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यूज करना है पैराजम टूल का, मतलब पैराफेसिंग टूल का, सॉरी पैराफेसिंग टूल क्या होता है बेसिकली, जैसे देखो माई नेम इज अंकित, और अंकित इज माई नेम, ये देखो देखो दोनों लाइन में कुछ फर्क है, पर देखो दोनों लाइन काफी ज्यादा फर्क आ गया, मतलब कॉपीराइट क्लेम नहीं लगेगा, आप समझ गए ना। तो इसी को कहते हैं पैराफेसिंग करना, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे करना, आपको लिखना है पैराफेसिंग, देखो हम यूज करते हैं पैराफेसिंग टूल फ्रेंच, ठीक है, पैराफेसिंग टूल फ्रेंच, तो देखो आ जाएगा, हम लोग पहले भी यूज करते हैं, तो देखो मैं इसको यूज करता हूँ paraface.com को, तो हमें इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने का देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको बेसिकली ना पेस्ट कर देना है। पेस्ट कैसे करना है, देखो कॉपी, कॉपी करने का मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद देखो डिटेक्ट हो रहा है लैंग्वेज, ये लोग डिटेक्ट कर लेंगे फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है। डिटेक्ट करने का ये लोग क्या करेंगे, देखो पैराफेस पे मैं जब ही क्लिक करूंगा तो देखो पैराफेस हो जाएगा, ठीक है। पैराफेस करने का आपको ना, देखो पैराफेस हो गया, अब कोई आपको कोई कॉपीराइट क्लेम कुछ नहीं लगा सकता, समझ गए। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है फ्रेंच ग्रामरली, फ्रेंच ग्रामरली का हमें यूज करना है, तो और आपका ना क्या होगा ना, स्मूथ हो जाएगा आर्टिकल, काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। किसी भी टूल को यूज कर लेना फ्रेंच ग्रामरली में, और इसमें क्या करना, फ्रेंच ग्रामरली टूल, एक मिनट, फ्रेंच ग्रामरली में टूल यूज करता हूँ। देखो फ्रेंच ग्रामरली टूल मैंने क्लिक किया तो देखो आ गया, मैं इसको यूज करता हूँ शायद से, फ्रेंच चेक फॉर ग्रामर, तो देखो इस पर मैंने क्लिक किया। इसका देखो ये क्रोम का एक्सटेंशन ऑन कर लेना, देखो जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसका देखो यहाँ पे करेक्ट पे क्लिक करूंगा, तो देखो ये ना करेक्ट कर देगा। इसका जो फ्रेश आर्टिकल आए ना, आप यहाँ पे अकाउंट बना लेना, ठीक है, जो फ्रेश आर्टिकल है वो आप उनको भेज देना, देखो इनको आप भेज देना,
ना टॉप कंटेंट वालों को आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपके पैसे ऐड हो जाएंगे, पैसे ऐड होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी पूरा ऑप्शन आ नहीं रहा है, यहाँ पे माई प्रोफाइल का एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है, ठीक है। इसके बाद एक और ऑप्शन आएगा साथ से डैशबोर्ड का, जहाँ पे आपका पूरा काम शो होगा। यहाँ पे चैटिंग का ऑप्शन आएगा, आप सीधा कस्टमर से बात नहीं कर सकते हो, पर आपके ऊपर जो एक्सिक्यूटिव होंगे कोई प्रॉब्लम आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। और शायद से मुझे इतना ध्यान नहीं, और कुछ एक मिनट, इसका एक पेमेंट ऐड करने का ऑप्शन होता है, आप लोग पेपाल यूज कर सकते हो। समझिए पेपाल काफी सही एप्लीकेशन है, देखो ये वाला एप्लीकेशन होता है पेपाल, यहाँ पे आप लोग अकाउंट बना लेना, बहुत ज्यादा सिंपल है। बहुत बंदे कहेंगे दूसरी वीडियो बना दो, दूसरी वीडियो की जरूरत नहीं, देखो आपको साइनअप पे क्लिक करना है, साइनअप पे क्लिक करने के इंडिविजुअल अकाउंट, नेक्स्ट नेक्स्ट के बाद देखो बहुत सिंपल स्टेप है। इसके बाद आपको ईमेल डालना है, ईमेल डालने का नेक्स्ट, इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद ओटीपी डालना, ओटीपी डालने का देखो आपको बस पैन कार्ड आधार कार्ड देना है, बैंक अकाउंट ऐड करना, आपका पेपाल अकाउंट बन जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे सीधा पैसा आएंगे, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, अपने बैंक में पैसे डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसका देखो ये हो गया, बाकी यहाँ पे आप लोग काम करो, काफी अच्छे पैसे कमा लोगे। ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।